गाइस, वेलकम टू शाहिना किचन। आज हम बना रहे हैं वही बहुत ही इंटरेस्टिंग गाजर का हलवा। सर्दी के मौसम में गाजर का हलवा नहीं बनाया तो क्या बनाया, तो आइए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम आइटम्स इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। मैंने देखिए गाजर को रफली चॉप किया हुआ है, 1 kg गाजर, जिसके लिए मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है 1/2 लीटर के करीब। ड्राई फ्रूट्स हैं बादाम और काजू, आप अपनी मर्जी के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। 3/4 कप शुगर है, ये डेसिकेटेड कोकोनट है 1/2 कप के अराउंड, और 1/2 कप के अराउंड ये खोया है। साथ में मैंने लिया है ये देखिए 1/3 कप घी, जो घर की निकाली हुई घी है, और ये है किशमिश और इलायची के दाने। सो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लीजिए, बनाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आइए फॉलो मी इन माई किचन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज देखिए, मैंने गाजर, दूध और चीनी को इसमें डाल दिया है। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो जरा भी आप कोताही ना करें, फटाफट से इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करें और गैस को ऑन करें। तो मैंने मिक्स कर दिया है और मैं गाजर को कुकर में चढ़ा रही हूँ। सो फटाफट कुकर का लगाइए लेट और इसको 2-3 सीटी आने तक छोड़ दीजिए धीमी आंच पे। देखिए फटाफट से ये बन जाएगा। सो गाइस देखिए, ये गल चुका है, इसको मैं बस मैशर से ऐसे ऐसे मैश कर लूंगी सो दैट ये स्मॉल पार्टिकल्स में हो जाए। उसके बाद कुकर का सारा इंग्रेडिएंट्स हम कढ़ाई में ट्रांसफर करेंगे, इसको हम पानी को सुखाएंगे। तो गाइस देखिए, मैंने ट्रांसफर कर दिया है क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से चीनी पड़ा हुआ था, तो हमें ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। बस सूखते ही हमारा गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा। बहुत ही मतलब एफर्टलेस गाजर का हलवा है, बहुत ही इजीली बन जाता है। तो गाइस देखिए, पानी तकरीबन सूख गया है। अब इसी सोच से जो मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया था, इसको मैं डाल दूंगी। और ये डेसिकेटेड कोकोनट ऑप्शनल है, क्योंकि मैं अपने तरीके अपने स्टाइल से बना रही हूँ, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। कोकोनट डालते ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। पानी सूखते ही अब मैं इसमें घी डाल दूंगी। तो मैंने 1/4 कप घी निकाला था, ये मैं घी इसमें डाल दूंगी। देखिए इसके अरोमा से इतनी अच्छी खुशबू सी आ रही है, ये डालते ही इसमें अलग सी खुशबू आ गई है और कलर भी चेंज हो गया इसका। ये देखिए बहुत अच्छे से भुन गया है। इसी स्टेज पे मैं अपने ड्राई फ्रूट्स डाल लूंगी। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं डेकोरेशन में यूज करूंगी, कुछ मैं डालूंगी। और साथ ही मैं थोड़ा सा मैं खोआ भी डाल दूंगी और कुछ मैं डेकोरेशन में भी यूज करने वाली हूँ। इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। लीजिए गाइस, गर्मा गर्म गाजर का हलवा तैयार है आपके लिए, जरूर बनाइए। और बिल्कुल कम घी में बन जाता है, इजीली आप बना सकते हैं बिना तामझाम के। कट करना है, डालना है, बन गया तैयार। जरूर एंजॉय कीजिए इस गाजर के रेसिपी को जो मैंने अपने तरीके से बनाया है। एंड डू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड सो दैट कोई भी स्टेप मिस ना हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग शाहिना किचन। एंड गाइज, आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई नीड योर वोट एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यू हैव अ गुड डे।
Ba-ba-d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 a